नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कार्यकर्ता द्वारा बोकारो में हुआ भव्य स्वागत। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में बड़ा फेरबदल करते हुए पार्टी आलाकमान ने अध्यक्ष डॉ. रमेश उरांव को हटाकर उनकी टीम में कार्यकारी अध्यक्ष रहे। राजेश ठाकुर को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया गया। रांची से बोकारो आने के क्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष राजेश ठाकुर का जगह जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा किया गया स्वागत। उनके साथ झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी रांची से बोकारो झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निवास पहुंचे, जहां एक तरफ झारखंड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ता को जितनी खुशी थी उतनी ही उनके परिवारों में भी खुशी देखा गया। वहीं कार्यकर्ता में झारखंड के नए अध्यक्ष को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। राजेश ठाकुर के घर आते ही उन्होंने सबसे पहले माता पिता का पैर छुआ और आशीर्वाद लिया, तो वहीं साथ साथ झारखंड के कृषि मंत्री भी राजेश ठाकुर की माता पिता का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आपको बताते चले कि कांग्रेस यूथ के सचिव उमर अब्दुल्ला ने झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को पुष्प दिया। वहीं झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे अध्यक्ष पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो नई टीम है इससे काफ़ी उम्मीदें हैं। केंद्र की नीतियां इसके विरोध में देश एक विकल्प की तलाश खोज रही है। मंत्री के सदस्य के नाते हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि मंत्रिमंडल सरकार का गठन सरकार का समन्वय बना रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए राजेश ठाकुर ने कहा कि हम लोग लगातार समन्वय के रूप में काम करते आए हैं, चाहे मीडिया के बीच हो या सरकार के बीच हो, या एक अच्छे समन्वय के बेहतर भूमिका के साथ रहे हैं और हमें नहीं लगता है कि कहीं कुछ परेशानी है। भीड़ हुई और आपके अध्यक्ष बनने के बाद विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा है। कहने का मतलब है कि इनका कहना है कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन, किस रूप में देखते हैं विपक्ष को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई बात बोले तो उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि खुद जो काम करती आई है वो किसी से छुपा नहीं है। पूरे कोरोना काल में इतना प्रोटोकॉल का पालन किया कि घर से निकले तक नहीं। अगर हम भी घर से नहीं निकलते, थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल नहीं तोड़ते, तो आज लोग भूख से मौत की कई खबरें आ जाती है। हम लोग लगातार काम करने वाले लोग हैं, डरने वाले नहीं हैं। मरने से डरना जिनको आता होगा वो समझे, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। ये मास्क लगा करके ये सही है कि हम लोग काम करते आए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह है, इसमें अच्छी अच्छी बीमारी भाग जाएगी, विपक्ष खत्म हो जाएगा, तो कोरोना क्या बात है। जी मंत्री जी, बताया जाए आज पहुंचे हैं राजेश ठाकुर जी को बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ मैं पूरे प्रदेश कांग्रेस के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का, जो सोनिया जी और राहुल जी के द्वारा, आदरणीय आरपीएन सर और वेणुगोपाल सर के द्वारा, जो हमारे माननीय अध्यक्ष बड़े भाई राजेश ठाकुर की जिम्मेदारी दी गई है, इनके और इनके पूरे टीम कार्यकारी अध्यक्ष सभी मौजूद थे। जनेश्वर माता सर, गीता कोड़ा मैडम, मधु तिर्की भाई जी और साथ ही शाहजादा अरवर भाई, ये जो नई टीम है उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। आने वाले समय में केंद्र की नीतियां हैं जिसके विरोध में देश एक विकल्प को तलाश रहा है, उसमें जो तैयारियां राहुल जी के द्वारा सभी विपक्षी दलों को लेकर सोनिया जी के द्वारा, उसमें इस टीम की अहम भूमिका होगी। मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि मंत्रिमंडल सरकार का गठबंधन, सरकार का समन्वय संगठन के साथ बेहतर हो, ताकि जो हम जिस मुद्दों पर हम लड़कर जीते हैं और सरकार बनाए हैं, हमारे कार्यों में उसकी छाया दिखे, प्रगति हो। और सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम जो साथ रखा, निश्चित रूप से पुराने अनुभव के साथ नई टीम को नई ऊर्जा, नई संचार मिलेगी और कांग्रेस को आगे फिर से जो दिशा निर्देश प्राप्त है उसमें संगठन को मजबूत करने की दिशा में नई कवायद दी जाएगी। मैडम मंत्री जी, एक चीज बताइए, जिस तरह से पहले तो हम जैसे पहला बजट लेके आए और सडन डाई हुआ, कोविड 1 और कोविड 2 को आपने देखा, तो हमने सबसे पहले प्राथमिकता मानवता को बचाने में दी, जिसके कारण निचले स्तर पे जो कार्यकर्ताओं को लेकर संगठन बनाए जाने थे, बोर्ड निगम तय किए जाने थे, वो सब नहीं दे सके,
लेकिन अब जब स्थिति सामान्य होते जा रही है तो आप देख रहे हैं कि यही जब भी हमारे अध्यक्ष बने हैं राजेश ठाकुर जी, यही इस 20 सूत्री के जो क्रियान्वयन समिति के कर्ता धर्ता में से एक थे, इन्होंने अपनी बखूबी जिम्मेदारी उसमें निभाई थी। आप आने वाले दिनों में देखेंगे निगरानी की टीम में, 20 सूत्री की टीम में, या फिर बोर्ड अध्यक्ष नियम जो कि सरकार के द्वारा संगठन के लोगों को आपका चेहरा दिखेगा और यह नई ऊर्जा और नए संचार का काम करेगी। क्योंकि 2 साल हम कोरोना से जूझ रहे थे, पहले हमने जीवन को बचाने का प्राथमिकता दिया, संगठन के लोग उसमें लगे रहे, सारे काम काज ठप थे। ऐसे में थोड़ा देर हुआ लेकिन लोग समझ रहे हैं देरी का कारण क्या है।